जी दोस्तों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक, मन्ने डेयरी फार्मिंग चैनल पर आज फिर से आप सभी फार्मर्स भाइयों के साथ एक और डेयरी फार्म से संबंधित एक और जानकारी शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ और भी फार्मर्स भाइयों के साथ जहां पर भी आप जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक जो है ग्रुप में, तो आप पर्सनली तौर पर उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो भी डेयरी फार्मिंग में है उनको हर रोज जो है डेयरी फार्म के प्रति नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और जब तक आपको डेयरी फार्म का जो अच्छे तरीके से आप नहीं सीख पाएंगे तो आप डेयरी फार्म को ना ही ग्रो कर पाएंगे और ना ही जो है अपनी इनकम इंक्रीज कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो काफ हो या पशु हो, जो है दूसरी भैंसों का जो है यूरिन यानी कि पेशाब पीते हैं, क्या कारण होता है कि वो जो है इस प्रकार की हरकतें पशु करते हैं और फार्मर से परेशान हो जाता है कि मैं इसी का दूध पी रहा हूं और ये जो है भैंस जो है दूसरे पशु का जो है ये जो है यूरिन पी रही है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या जो है पशु के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करें जिससे पशु ठीक हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज्यादातर ये चीजें वहां देखने को मिलते हैं जहां पशु को खाली सूखा चारा हम खिलाते हैं और सूखे चारे के अलावा पशु को हम जो है हरा चारा अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, तो उनमें जो है उनको जो है खाने से जो है यूरिया की कमी उनमें हो जाती है। तो इसे ये प्रॉब्लम जो है ज्यादातर पशुओं में इसलिए देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए राजस्थान का हिस्सा हो गया, वहां पर जो है हरे चारे की पैदावार कम है, तो और बिहार का हो गया, तो जहां पर कहने का मतलब है जहां पर हरे चारे की पशु की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो वहां पर ये चीजें आपको जो है ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसी कारण से पशु ज्यादा जो है दूसरे पशुओं का पेशाब पीने लग जाते हैं, क्योंकि जब इंसान हो या पशु हो जो है यूरिन पास करता है तो उसमें यूरिया की मात्रा जो है पशु की निकलती है, तो इसलिए वो अपनी यूरिया की पूर्ति करने के लिए जो है दूसरे पशुओं का पेशाब पीते हैं। तो इसे जो है कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, आप एक तो आप अपने पशुओं को रूटीनल खनिज मिश्रण खिलाएं जहां पर जो है पशु जो है आप हरा चारा अवेलेबल नहीं करवा सकते, सूखे चारे के साथ आपको पशुओं को जो है खनिज मिश्रण खिलाएं, तो ये प्रॉब्लम एक तो आप इस कारण से दूर कर सकते हैं। दूसरा, अगर हो जाए तो आप पशु को जो है यूरिया जो है साथ में आप खिला सकते हैं। तो यूरिया आप अपने पशु को कितना खिला सकते हैं, प्रतिदिन आप 1 चम्मच से 10 चम्मच तक अपने पशु को यूरिया खिला सकते हैं, जिससे क्योंकि जो भी फीड का फॉर्मूला जो भी फीड कंपनियां फीड तैयार करती हैं तो वो जो है चारे में जो है यूरिया जो है सॉरी जो है फीड में यूरिया डालती हैं, और यूरिया डालने के जो है एक फार्मूला होता है उसी इतने ही लेवल पर वो डालती हैं, ज्यादा नहीं डालती हैं। तो आप अपने पशु को प्रतिदिन जो है 1 चम्मच से 10 चम्मच तक बड़े पशु को जो है यूरिया खिला सकते हैं, इससे आपके पशु की प्रॉब्लम अगर आप रूटीनल खिलाएंगे महीना में इस दिन तो ये जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और हो सके तो आप अपने पशु को हर एक प्रकार का हरा चारा अवेलेबल करवाएं जिससे जो है पशु को ये समस्या जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। और ज्यादातर जो जहां पर जो है हरा चारा की कमी रहती है वहां पर ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो इस चीज को लेकर एक भाई ने पूछा था, तो इसलिए मैंने आप सभी इसके साथ ये वीडियो शेयर कर दी है। तो अब आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भाई जो है सूखा चारा पशुओं को खिलाकर डेयरी फार्मिंग में आपने देखा होगा, ज्यादातर पशुओं को सूखा चारा ही जो है खिलाकर मिल्क प्रोडक्शन करवाते, तो वहां पर ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। बहुत सारी गौशालाएं में आपने को देखा होगा, आम फार्मर के ये घर पर ये चीजें देखने को आपको कम मिलेंगी, क्योंकि हर एक प्रकार का चारा पशु के लिए वहां पर अवेलेबल हो जाता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जानकारी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, और धीरे धीरे आपको जो है डे बाय डे डेयरी फार्म के प्रति जो है डेयरी फार्म के रिलेटेड वीडियो मिलती रहती, तो इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप हमें जो है फॉलो करना चाहते हैं तो उनके लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपका और कोई क्वेश्चन तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक या जो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चैनल स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा।